आज हमारे साथ कानपुर के बूंदी के लड्डू साथ है। तो ये बूंदी के लड्डू है जो कितनी मिठास भरने वाले हैं और खुरानास का कितना नाम रोशन करने वाले हैं। यार मुझे ऐसा लगता है जब भी कहीं पे भी आप मिठास भरेंगे तो चीज़ तो अच्छी निकल के आती है, और हर एक की जो इंटेंशन है, जो अटेम्प्ट है, वो यही है कि सब मिलके एक अच्छा मतलब माहौल बनाए। और बहुत जब भी हमने अभी दो तीन दिन शूट किया है, आई थिंक जो वाइब रही है वो बहुत अच्छी रही है। एंड मैंने कभी ऐसा शो किया नहीं है होस्ट, एंड आई मीन आई बीन अ स्पोर्ट्स होस्ट, आपने जब भी मुझे देखा होगा क्रिकेट मैचेस होस्ट करते हुए देखा होगा। पहली बार मैं एक प्रॉपर बड़ा शो जीसी पे होस्ट कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इट्स गोना बी ग्रेट फन, लुकिंग फॉरवर्ड, मज़ा आएगा। अली भाई के साथ, सुनील पाजी के साथ, सुगंधा, उपासना जी एंड दो तीन और नए लोग जुड़े हैं टीम में। पंजाब से एक लड़का आया है नया, जितेंद्र सूरी, वेरी फनी गाय, उसके साथ साथ एक नौशाद है लड़का, आई मीन इतना लंबा चौड़ा है वो, एंड चिड़िया की आवाज़ निकालता है, एंड बहुत आई थिंक जो अतरंगी इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, आई थिंक ये भी अतरंगी कॉम्बिनेशन है कि मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा इनके साथ कुछ ऐसा यू नो परफॉर्म नहीं किया था। मैं इन सबको जानता हूँ पहले से, सुनील पाजी को मैं चंडीगढ़ से जानता हूँ, और अली भाई वगैरह के मेरे काफ़ी सबके आसपास कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगा कि इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कानपुर वाले खुराना। अच्छा, जीजा जी जो है वो काफ़ी अतरंगी है आपके, मतलब उनकी जो खासियत है थोड़ी बताएं कैसे है वो। यार जीजा जी इतने अतरंगी हैं कि तो क्या ना, एक तो ये यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल नहीं इंडियन फैक्ट है एक्चुअली, ग्लोबली पता नहीं ऐसे होता होगा, क्योंकि हमारे देश में तो इंडियन जीजा जी को बहुत अनड्यू यू नो इम्पोर्टेंस मिलती है, तो वही इंपॉर्टेंस के ऊपर खेलते हुए आई थिंक हमारे एक्ट्स हैं सारे के सारे। कैसे जीजा जी बुरा मान जाते हैं, कैसे जीजा जी शो ऑफ करते हैं, कैसे जीजा जी हमेशा यू नो डोमिनेट करते हैं। सो बस जीजा जी हैं, और छः साली हैं यू नो, एक सातवीं साली तो मैनिक्विन है, और साथ में एक साला है जो बर्दाश्त कर रहा है जीजा को। बट आई थिंक जो बैंटर है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बर्दाश्त वाला कम, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ऐसा फन निकल के आ रहा है उसमें। मैं रियल लाइफ में मेरा कोई ऐसे जीजा नहीं है, आई मीन वे टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे अब आके जीजा मिला है तो आई एम श्योर एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो इतनी सारी स्त्रियाँ भी है यहाँ पे हाँ ये तो साल ही बहुत अच्छा, मतलब पीछे यहाँ पर भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी सारी स्त्री एक शो पर मिल जाए तो मतलब वो शायद 100 करोड़ से बड़ी हो जाएगी फिर तो फिल्म तो यहाँ पे पहले वहाँ एक स्त्री ने इतना कुछ कर दिया, यहाँ तो इतनी सारी स्त्रियाँ पता नहीं क्या कुछ कर देंगी, यानी काफी धमाल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मेजरली क्या है ना, धमाल से ज्यादा ना हाँ, धमाल जैसे सेलिब्रेशन है ये, और साल खत्म हो रहा है, 2018 की जितनी भी बड़ी बातें हुई हैं वो सब कवर कर रहे हैं हम इस शो पे, सो इट्स अ ईयर एंडर, बेसिकली पूरे साल का समीकरण है। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से आते होते? बस ये कहना चाहूंगा कि अपारशक्ति खुराना आ रहा है लेकर कानपुर वाले खुरानास, तो बस आपकी मेरी मोहब्बत बनी रहे।